जय माता दी, जय माँ कामाख्या। होली आ रही है, इसको दारुण रात्रि कहा जाता है। इस दारुण रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। 365 दिन में एक दिन दारुण रात्रि का आता है। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि दारुण यानि रोने धोने चिल्लाने दुख की रात कही जाती है, इसलिए इसको दारुण रात्रि कहते हैं। दारुण शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें कष्ट होता है। तो इस दारुण रात्रि में जितने भी जानकार होते हैं, गुनिया, भोपा, ओझा, पंडा, पुजारी, ओघड़, अघोरी, तांत्रिक, मांत्रिक, यह सब तंत्र विद्या करते हैं। यदि किसी को शत्रु नाश कराना हो तो पकड़ लो, पर विश्वस्त व्यक्ति पकड़ना। यदि कोई तुम्हारे परिवार को कष्ट देता हो, यदि कोई व्यक्ति आपके मकान के ऊपर बुरी नजर रखता हो, यदि कोई व्यक्ति आपके परिवार के ऊपर बुरी नजर रखता हो, यदि कोई व्यक्ति आपके जो कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर बुरी नजर रखता है, यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता हो, तो ये जो दारुण रात्रि आ रही है यानी कि होली की रात, इस होली की रात को तंत्र विद्या करवा लो या खुद करो। अब तंत्र विद्या खुद कैसे करोगे, क्योंकि ज्ञान नहीं लिया आपने कभी भी तंत्र विद्या करने का। अब जब तंत्र विद्या करने का ज्ञान नहीं लिया तो आप लोग तंत्र कैसे करोगे, यानी किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में हमारी दादी मां, नानी मां, बड़े बुजुर्ग लोगों के पास में टोने टोटके हुआ करते थे, वह भी एक तरीके से तंत्र का ही काम करते हैं। परंतु आपने उन दादी मां की आशीर्वाद ही नहीं लिया और न ही कभी उनसे पूछने की कोशिश की कि ये टोना टोटका क्यों करती हो, किस लिए करती हो। परंतु पुराने जमाने में शत्रु नहीं हुआ करते थे, तंत्र मंत्र नहीं हुआ करता था, क्योंकि टोने टोटकों के माध्यम से रोक दिया जाता था। तो इस दारुण रात्रि के बाद में मनुष्यों के यहां पे लकवा की बीमारी ज्यादा लगती है। आप देखना, रिसर्च करो, हमने तो रिसर्च कर रखा है, इसलिए हम आपके सामने यह बात रख रहे हैं। इस दारुण रात्रि के बाद में घर परिवार में क्लेश होता है, अशांति होती है, मारपीट होती है पति पत्नी के बीच में, बच्चे का दिमाग बदल जाता है, लड़कियों का दिमाग बदल जाता है, वशीकरण भी भेज दिया जाता है। और वशीकरण इस जो होलिका की राख होती है, उस राख से वशीकरण का काम भी होता है, लक्ष्मी प्राप्ति करने का काम भी इस दारुण रात्रि में होता है। यानी इसमें साम दाम दंड भेद। अब षट कर्म, ये षट कर्म इस दारुण रात्रि में सबसे ज्यादा अच्छे से होते हैं। मारण का काम भी होता है, मोहन सम्मोहन करने का काम होता है, वशीकरण का काम होता है, उच्चाटन करने का काम होता है, पति पत्नी में झगड़ा कराने का काम होता है, बाप बेटे में झगड़ा कराने का काम होता है, मां बेटी में झगड़ा कराने का काम होता है। विद्वेषण की प्रक्रिया होती है, एक दूसरे के शत्रु बना देते, भाई भाई को शत्रु बना देते। तो ये जो दारुण रात्रि, इसमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता होती है मनुष्य को। और ये कलयुग चल रहा है, दादी मां तो मर गई,
नानी माँ भी मर गई, वो आपने पूछा ही नहीं, बताया ही नहीं, और वो भी बता के नहीं गई, न बहुओं ने कभी उनके अच्छे से सेवा नहीं की, तो क्यों बताएगी? नहीं तो पहले बच्चा बीमार होता था, दादी माँ जरा सा टोटका करती थी और बच्चा हंसते खेलते रहता था। परंतु आजकल जरा सा बच्चा बीमार हुआ नहीं कि ले डॉक्टर के पास दौड़ के गए, 1,000-2,000 खर्च कर दिए। तो ये जो टोने टोटके होते थे बच्चों के ऊपर पुराने जमाने में, वो दादी माँ और नानी माँ करके बचा लेती थी उनको, किसी को लकवा नहीं लगता था, बहुत कम व्यक्ति को लकवा लग करके मरते थे, और उसका कारण ही केवल यही था। तो दारुण रात्रि के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए टोने टोटके होते हैं, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण स्तंभन विद्वेषण के लिए भी टोने टोटके होते हैं। अब उनसे बचना है आपको। अब आपको तो मालूम नहीं कैसे किया जाए, इसलिए आपको टोने टोटके के लिए बचना चाहिए केवल, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति को पकड़ो जो आपके लिए कुछ चीज तैयार कर सके इस होलिका की रात में। कोई नारियल तैयार कर सके, कोई वहां की जो राख होती है होलिका की, उस राख से के ऊपर अभिमंत्रित करके आपके घर की रक्षा की जा सकती है। परंतु ये ध्यान रहे, जहां भी ये शीतला माता का मंदिर होता है वहां पर जो होली जलती है वो ही वास्तविक होली कहलाती है। आजकल हम जगह जगह देखते हैं, हर तिराहे चौराहे पर होली जलने लग गई है, हर कॉलोनी के बाहर होली जलने लग गई है। तो ये तिराहे पर होली जलाना अशुभ संकेत है, कॉलोनी के बाहर होली जलाना अशुभ संकेत है। सिर्फ होली जो है शीतला माता का मंदिर या खेड़ापति माता का मंदिर होता है वहां पर ही होली जलाई जाती है। एक गांव में, एक एरिया में एक होली जलती है। पर आजकल हम आधुनिक हो गए, डीजे बजाना है, दारू पीना है, चंदा इकट्ठा करना है, जेब में पैसे रखना है। तो ऐसे लोगों ने एक धंधा बना लिया कलेक्शन करने का होली का, और फिर होली जलाते। यह भी अशुभता की निशानी है। एक तरीके से होली जलाना अपने आप में किसी राक्षस की बहन को हम जला रहे हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी की बहन होलिका, उसको जलाया जाता है, बेसिकली उसका प्रतीक है ये। वो प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी गोदी में, फिर आग लग गई थी, तो उसने सोचा प्रहलाद जल जाएगा क्योंकि वो जल नहीं सकती थी, परंतु वो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसका अर्थ क्या? जहां पर होली के रूप में प्रतीकात्मक रूप में अग्नि को जलाया जाता है, यानी वहां पे डेड बॉडी को जलाया गया, यह अज्यूम किया जाता है, यह माना जाता है, यानी कि वो शमशान बन जाता है। इसलिए होली जलने के पहले पूजा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। और हर मनुष्य को होली की रात, जब होली जलती उसके पहले, अपने ऊपर से 7 प्रकार का अनाज उतार करके उस होलिका में डालना चाहिए। 7 प्रकार का अनाज यानी सातों जो अलग अलग कलर के अनाज आते हैं ना, 9 ग्रह के अनाज, यानी चावल, तिल, जौ, मूंग, उड़द, मसूर, गेहूं, चना, चने की दाल, उड़द की दाल,
मक्का, मोठ, ये सब अनाज मिक्स करके सब अपने अपने ऊपर से अलग अलग उतार लो मिक्स करके, और सभी परिवार के सदस्यों को उस होलिका में डालना चाहिए। थोड़ी सी मिठाई उतार के डाल देना चाहिए और होलिका के वहां पे दीपक जला करके परिक्रमा करना चाहिए। जलने के पहले भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे आपने भक्त प्रह्लाद को बचाया था, ऐसे हमारे परिवार को भी इस आग से बचाना। और होलिका की रात दारुण रात्रि होती है। ये दारुण रात्रि के बारे में दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है, और दारुण रात्रि के बारे में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी बताया गया है, और दारुण रात्रि के बारे में कालिका पुराण में भी बोला गया है। अब आपके पास तो समय नहीं है ये पुराण पढ़ने का, तो हम ही आपको बता देते हैं कि इन पुराणों में इसका उल्लेख है कि दारुण रात्रि कितनी खतरनाक होती है। पूर्णिमा का दिन, तो इस दिन टोने टोटके बहुत ज्यादा करते हैं। उसको बचने का तरीका यह है कि घर के अंदर मेन गेट के बाहर दो दीपक ऐसे जलाना चाहिए जो सुबह 4 बजे तक जलते रहते हो। शाम को सूर्यास्त के समय पे दीपक लगा दो, इतना उसमें तेल या घी या सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भर दो और दीप प्रज्वलित कर दो, चाहे फूल बत्ती का हो, चाहे वो लंबी बत्ती का हो, चाहे वो 4 बत्ती का हो। 4 बत्ती का हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक दीपक घर के अंदर, एक दीपक घर के बाहर, और दारुण रात्रि को जल हमेशा सोना नहीं चाहिए, स्त्री पुरुष का रमण भी नहीं करना चाहिए, और इस रात्रि में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए इस दारुण रात्रि में, या काली माँ का मंत्र जप करो। ओम एम रिम क्लीम चामुंडा विच्चे जप कर सकते हैं, क्रीम काली काय नमः जप कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जप कर सकते हो। ये जिस मंत्र की सिद्धि लेना हो, यानी थोड़ी सी कृपा मिलती रहे, ओम बम भैरवाय भी जप कर सकते हो ताकि आपके परिवार की रक्षा हो सके, और घर के चार ही तरफ छत पर भी और चारों तरफ सीढ़ियों पर भी पीली सरसों का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि होली की रात को कुछ मनुष्य अपने अपने तांत्रिक लोगों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से जो तंत्र मंत्र काला जादू करवाते हैं उसका असर चालू हो जाता है, तो वो शक्तियां उसी दिन से आपके घर पे आना चालू हो जाती है। तो उन शक्तियों को रोकने के लिए दीपक जो मैंने बताया वो प्रज्वलित करना ही करना है, और पीली सरसों सब जगह छिड़क दो। पीली सरसों अपने आप में स्वयं सिद्ध उत्पाद है, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, और घर के चारों कोनों पर हरे नींबू रख देना चाहिए सिंदूर लगा करके, ताकि नींबू भी रक्षा करने का काम करते हैं, और होलिका की पूजन करने अवश्य जाना चाहिए। एक दीपक लगाइए, कच्चा सूता लेकर के होलिका की परिक्रमा करिए, रेवड़ी जो बाजार में मिलती है तिल की बनी हुई, वो रेवड़ी भी अपने ऊपर से उतार करके उस होलिका में डाल देना चाहिए जलने के पहले, और 7 प्रकार का अनाज तो डालना ही डालना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, और जो भी देना चाहे, दूध चढ़ाना हो दूध चढ़ा दो, मिठाई चढ़ाना हो मिठाई चढ़ा दो, भक्त प्रह्लाद के लिए मिठाई चढ़ाना चाहिए।
परंतु ऐसी जगह पूजा करने जाना है जहां पर शीतला माता का मंदिर अवश्य हो या फिर खेड़ापति माता जी का मंदिर हो। उस जगह जो होली जलती है वो अच्छी होली मानी जाती है, वहां की शक्तियां काम करती है। और ये हर कॉलोनी के बाहर, हर तिराहे पर, चौराहे पर जो होलियां जलती है, ये होलियां अच्छी होली नहीं मानी जाती है। होली जलाने वाले, संकल्प लेने वाले, उसकी पूजा करने वाले, किसी को फल नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है। ये परंतु ये कलयुग है, किस किस को समझाए। आजकल तो ये एक तरीके का एक शौक हो गया है कि कॉलोनी से 100-100 रुपए इकट्ठा करो, कुछ लकड़ियां ले आओ, आधे पैसे की लकड़ी ले आओ, आधे पैसे जेब में डाल लो। तो होलिका की रात को बहुत सारे उपाय कर सकते हो। यदि आपके यहां बीमारी है, परेशानी है, व्यक्ति कर्ज में डूब गया है, तो सफेद कागज पर लाल स्याही से आपको लिखना है। आपकी परेशानी लिख दो, कौन सी बीमारी, बीमारी का नाम लिख दो, किस व्यक्ति को है वो लिख दो, भोजपत्र ले आओ ज्यादा से ज्यादा, परेशानी लिख दो, क्या परेशानी चल रही है आपकी, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो तो उस व्यक्ति का नाम लिख दो, या फिर उसका फोटो चिपका दो उस भोजपत्र के ऊपर। कर्ज ले रखा है, कर्ज नहीं उतर रहा तो बैंक का नाम लिख दो, कौन सा कर्ज ले रखा है, और प्रार्थना करो और लाल शाही से भोजपत्र या सफेद कागज के ऊपर लिख दो। उस कागज को होलिका के दहन के समय पर अग्नि को साक्षी मानकर, क्योंकि अग्नि भगवान है, और मन ही मन में 11-11 बार दोहराए कि प्रार्थना करें कि जो हमने लिखा है, हमारी प्रार्थना है, यह प्रार्थना आप स्वीकार करें, और जलती हुई होली में डाल देना चाहिए, और ईश्वर से बारंबार प्रार्थना करें कि आपकी ये जो इच्छा आपने लिखी है, सामर्थ्य के अनुसार यह इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए। यदि किसी बालक के ऊपर, किसी स्त्री के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर ऊपरी बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो एक खोपरा गोला ले लो, उस खोपरे गोले के अंदर आप पीली सरसों भर दो, उड़द भर दो, काले तिल भर दो, जो भर दो, घी भर दो, एक जायफल डाल दीजिए, एक नींबू डाल दीजिए, और वही भोजपत्र के ऊपर लाल पेन से लिख दो कि इस बालक को या स्त्री को या पुरुष को क्या तकलीफ है, कोई ऊपरी बाधा है तो, या तंत्र मंत्र काला जादू होने का संदेह हो तो वो लिख दो, या उसकी बीमारी लिख दो, और उस भोजपत्र को भी घड़ी करके खोपरे गोले के अंदर रख दो और ढक्कन लगा दो। वो खोपरा गोला जो पीड़ित व्यक्ति है, बालक है, उसके ऊपर से 7 बार उतारो और जलती हुई अग्नि में अग्नि देव को साक्षी मान करके उसमें डाल दो। और परंतु मैं बार बार कह रहा हूं, ये है दारुण रात्रि, जैसे हम कहते हैं काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ऐसे ही ये दारुण रात्रि है। इस दारुण रात्रि में जगना चाहिए आपको, ताकि आपके ऊपर कोई भी तकलीफ ना हो। और होली का दहन के दिन होलाष्टक समाप्त होगा, तो होलाष्टक में कोई भी अशुभ काम नहीं करते हैं। होलाष्टक में पूजा करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए होलाष्टक में भजन पूजन करना चाहिए, बस मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं।
होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, जिससे ऋण मुक्ति होती है। मंगल ऋण मोचन स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे ऋण चुकता है और आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है, कर्जे से भी मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। ओम उग्रवीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए, ताकि आपके शत्रुओं का नाश हो सके और एक साल तक आप शत्रुओं से बच सको। हनुमान जी की पूजा का मतलब हनुमान जी के भी कोई मंत्र हो, उन मंत्रों का जप करो। शत्रुनाश का मंत्र जप कर लीजिए। हनुमान जी का कवच होता है, एक मुखी कवच, पंचमुखी कवच, एकादश मुखी कवच, उस कवच का पाठ होलाष्टक में करना चाहिए, और जब होली जलती है उस समय तो अवश्य करें। ओम ह्रीम वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टाय युधाय महासिंहाय हुम फट, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए, ताकि आपकी रक्षा हो सके। तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा काला जादू से, नहीं तो हमने देखा है बहुत से मनुष्य जो नहीं मानते हैं उनके घर में अचानक अटैक आ जाता है और व्यक्ति चल बसता, वो कहता अरे आ गया होगा अटैक, इतनी ही उम्र भगवान ने लिखी होगी और व्यक्ति चल बसता, क्योंकि वो इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अरे जवान व्यक्ति चलते चलते बैठ जाए और गिर जाए, इसका मतलब तंत्र मंत्र काला जादू होता है। और यदि मनुष्य दूज के दिन, छठ के दिन, चतुर्दशी के दिन या अमावस्या के दिन मरता हो, तो समझ जाओ वो तंत्र विद्या से ही मरा है। परंतु बड़े व्यक्ति, लखपति, करोड़पति या पूंजीपति कहां मानने वाले, और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं मानने वाले। परंतु तंत्र मंत्र का असर सबके ऊपर होता है, चाहे आप मानो या मत मानो। और जो मान लेते हैं वो बढ़ भी जाते हैं, उम्र बढ़ जाती है उनकी, रुक जाता है तंत्र मंत्र। होलाष्टक के दौरान श्री कृष्ण जी की पूजा करना चाहिए, लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहिए, संतान गोपाल का जप करना चाहिए, ताकि बच्चे की रक्षा हो सके। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए, और जिसके यहां बच्चे पैदा नहीं हो उनको भी विशेष तौर से काम करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान किए गए व्रत और दिए गए दान से जीवन में कष्टों से मुक्ति आती है। मैं बार बार कहता हूं कि मनुष्य को दान देने से, मनुष्य के द्वारा दान देने से पाप कटते हैं, और पाप कटने से कष्ट कम आते हैं, और कष्ट कम आने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। परंतु कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, जेब से पैसा नहीं निकलता है, तब क्या किया जाए? भगवान कष्ट देता ही देता है फिर, क्योंकि उसको मालूम है मुझे किसके पैसे कैसे निकलवाना है। कई बार हम देखते हैं मनुष्य को ऐसी बीमारी लग जाती है कि वह हॉस्पिटल में दौड़ लगाता फिरता, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराता रहता है, हॉस्पिटल में पैसे देते रहता है, और मनुष्य इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उसको गोली दवाई काम नहीं करती, धीरे धीरे वह कंगाल हो जाता है, मकान गिरवी रख देता है, सोने चांदी बेच देता है, तब उसके बाद में मनुष्य मर जाता है। तो ऊपर वाला तो चमड़ी उधेर लेता है, पर मनुष्य फिर भी नहीं समझता है कि मेरा यह रिश्तेदार हमें गरीब और कंगाल करके क्यों मर गया। उसके पीछे कारण था, रहस्य था, परंतु आप नहीं समझते हो।
तो होला अष्टक के दौरान व्रत उपवास भी करना चाहिए, और विशेष तौर से चलो व्रत उपवास नहीं बन रहा है तो दान तो दे सकते हो। रोगों से बचने के लिए शिव पूजा करना चाहिए, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना चाहिए और हवन अवश्य कराए। विजय प्राप्त करना हो तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, बगलामुखी के जप करना चाहिए। परिवार की समृद्धि सुख शांति के लिए राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि आप अपार धन संपदा चाहते हो तो गुड़ कनेर के पुष्प हल्दी की गांठ व पीली सरसों से हवन करना चाहिए, और कैरियर को चमकाना चाहते हो तो तिल जो शकर से हवन करना चाहिए, और घी अवश्य मिला दे, और देशी घी और शुद्ध घी मिलाना है, डुप्लीकेट घी का प्रयोग नहीं करें। जो पूजा के नाम पे गाय छपी हुई होती है वो घी का प्रयोग आप करते हो जो गाय की चर्बी से बनता है, जानवरों की चर्बी से बनता है, जो 100-200 रुपए किलो आ जाता है उस घी का प्रयोग नहीं करें। आपको डेयरी से या कोई ऐसी सरकारी संस्थान हो वहां से घी लेकर के आके उस घी का प्रयोग करना है। कन्या विवाह यदि नहीं हो रहा है तो कात्यायनी के मंत्रों का जप करना चाहिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चावल घी केसर से हवन करना चाहिए, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो गणितपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए और मोदक और दुर्वा से हवन करना चाहिए। और नवग्रह की कृपा प्राप्त करना हो तो भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादश को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इसलिए कई बार पूर्णिमा के दिन एक्सीडेंट होता है वो राहु की वजह से होता है, चतुर्दशी को मंगल की वजह से एक्सीडेंट होता है या मौत होती है। तो जब तक होला अष्टक चलता है, विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, होला संस्कार, यज्ञ हवन, होम, नया व्यापार शुरू करना, नए वस्त्र या कोई वस्तु खरीदना, यात्रा करना और नए ग्रह का निर्माण करना वर्जित होता है। तो ये थी होली से संबंधित विशेष जानकारी। आप ये सब अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सहेलियों को अवश्य फॉरवर्ड करें, उनको बताएं ताकि उनके घर में कष्ट न आए, दुख नहीं आए, परेशानी नहीं आए, कोई तांत्रिक ऊपरी बाधा न हो सके। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मेरा कर्तव्य है आपको बताना। अब इस ज्ञान को आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, जीवन में प्रयोग करना है या नहीं करना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जो बात है वह सब शास्त्र सम्मत बात है, नहीं मानोगे कोई बात नहीं, जो भगवान ने आपके भाग्य में लिख दिया, कर्म में लिख दिया, वो तो घटेगा ही घटेगा, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। फिर भी आप प्रयास कर सकते हो, अब आपकी इच्छा कि आप क्या चाहते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक विशेष बात, होलिका की रात को देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा घर की रक्षा के लिए कुछ चीजें सिद्ध की जा रही है। जिस किसी भी मनुष्य को यह सिद्ध की हुई सामग्री चाहिए घर की रक्षा के लिए, वह देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर अपनी बुकिंग करा सकता है। क्योंकि हम कोई भी सामग्री, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी जड़ी बूटी एक लिमिटेड मात्रा में हम सिद्ध करते हैं, तो जो व्यक्ति पहले बुकिंग करा देता है उस व्यक्ति तक वो पहुंच जाती है। बाद में आप मांगते हैं तो हमें सबको मना करना पड़ता है, भैया अभी उपलब्ध नहीं है। तो यदि आप होली के दिन के भी पहले तक यदि बुकिंग करा देंगे
तो आपके नाम और गोत्र से वह रक्षा कवच के स्वरूप जो जड़ी बूटी और कुछ सामान है वो आपको आपके नाम से सिद्ध करके आपके घर तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए उचित दक्षिणा निर्धारित की गई है, 2100 रुपए की दक्षिणा निर्धारित की गई है। तो यदि आप चाहते हो तो वह देव राधा का सत्यवाणी चैनल के जो मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर, इन पे अपना नाम और गोत्र बता करके राशि जमा कर सकते हैं देव राधा ट्रस्ट के अकाउंट में। 9893128047 और 7987237885, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करके यह चीजें आप बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है 7649862712, इस नंबर पर भी आप सूचित कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, श्री हरि विष्णु, नरसिंह देवता आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप ये सब काम कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।